एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड ऑफ इंडिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही झटपट से चंद मिनटों में बनने वाला फटाफट बनने वाला स्नैक, वो है चना चोर गरम। ये चना चोर गरम बिल्कुल मैं स्ट्रेट स्टाइल से बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। जब भी मन कर रहा है आप घर पर बना सकते हो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और लाइटली स्नैक भी हो जाएगा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं चना चोर गरम। चना चोर गरम के लिए मैंने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। एक बॉल चना चिप्स लिए, ये आप घर पर बना सकते हो, या घर पर नहीं बनाते हो तो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और घर पर बनाना तो इसे इतना आसान है, सिर्फ चने को रात भर भिगो दीजिए और सुबह बॉईल करना है। हमें बॉईल कर अच्छी तरह से प्रेस कर देना है और प्रेस करके धूप में सुखा देना है। धूप में अच्छी तरह से सूख जाएंगे, उसके बाद इस तरह से चिप्स बन जाएगी। तो एक बॉल चिप्स लिए मैंने, एक छोटा अनियन लिया है जिसे फाइनली चॉप कर लिया है, एक टोमेटो इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स, 2 टेबलस्पून मैंने ये स्प्रिंग अनियंस लिए, स्प्रिंग अनियन की ग्रीन्स लिए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर लीजिएगा वरना स्किप कर सकते हो, 1/2 स्पून चाट मसाला, 1/2 स्पून जीरा पाउडर और 1/2 नींबू। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं चना चोर गरम। एक बाउल लिया है मैंने, बाउल में हम ये चना चिप्स डाल देते हैं, इसमें स्प्रिंग अनियन डाल देती हूँ। स्प्रिंग अनियन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस चना चोर गरम में, तो आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। टोमेटो फाइनली चॉप करके डालना है, अनियन इसे मैंने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है, कोरिएंडर लीव्स, चाट मसाला में सब आ जाता है, हल्का सी नमक, हल्का सी खटास, तो आप ज़रूर डालें चाट मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ा सी नमक डालेंगे, नमक हमें ध्यान रखकर डालना है क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, थोड़ा सी रेड चिली पाउडर 1/2 स्पून, तीखा आप आपके टेस्ट के अनुसार डालिएगा। और अभी नींबू निचोड़ लेते हैं, 1/2 नींबू का रस डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा खट्टा फ्लेवर आएगा। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, कितना कलरफुल और कितना यमी लग रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की तरह लग रहा है ना। तो आप घर पर कितने फटाफट से बना सकते हो बहुत ही कम समय में और बहुत ही फटाफट, बहुत ही टेस्टी स्नैक बनकर रेडी हो जाता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लग रहा है ना बिल्कुल स्ट्रीट जैसा ही। तो सारे अच्छे से मिक्स हो गए, खाने के लिए रेडी है। आपको ये चना चोर गरम कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा स्नैक बनकर रेडी हो जाता है। साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऐसे ही मैं और कई सिंपल वीडियोस लेके आऊँगी, तो आप मेरे वीडियोस देखते रहें। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक बार ऐसी कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।